नमस्कार आवाज देश में आपका स्वागत है मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आज हम बात करेंगे माइनॉरिटी स्टेटस का आधार क्या है ये जानने की अल्पसंख्यकों में असुरक्षा और भेदभाव की भावना को मिटाने का हवाला देते हुए उन्नीस में, में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून लाए गए अल्पसंख्यकों के हालात का जायजा लेना और विकास के लिए सरकार को सुझाव देना था हर राज्य में राज्य अल्पसंख्यक आयोग बनाने का भी प्रावधान रखा गया आज भी देश के कई राज्यों में इसके बावजूद अल्पसंख्यक आयोग नहीं है जम्मू कश्मीर उन राज्यों में है जहां अल्पसंख्यक आयोग नहीं है मुस्लिम जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक नहीं है इसके बावजूद भी कारण यह रहा कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द तो उल्लेखित है लेकिन इसकी परिभाषा निहित नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो परिभाषा को तय करे आज हम पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञ मेहमानों के सचिव हैं भारत सरकार आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर एम एम अंसारी हैं पूर्व सदस्य यूजीसी आपका भी बहुत, बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है और स्वागत है जनता जनार्दन का भी भारत का हर नागरिक समान अधिकार रखेगा चाहे धार्मिक स्वतंत्रता हो चाहे भाषाई स्वतंत्रता हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है हमने बराबरी के सभी को अधिकार हैं लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थर्टी में कुछ प्रोविजंस दिए हैं पहला कि सबको अधिक प्रोफेस करें प्रोपिगेट करें या प्रैक्टिस करें तो ये एक पहली चीज़ स्वतंत्रता दी गई और धर्म की स्वतंत्रता के साथ साथ उन्होंने कहा रिलीजियस uh, डिनोमिनेशंस उनको भी अपना एक अधिकार है एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर वो जो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं क्योंकि उनकी बेसिकली एक तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एनविसाज की गई थी दूसरा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और अपनी कल्चर अपनी ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के लिए रिलीजियस डिनोमिनेशंस अपने इंस्टीट्यूशंस में जो स्टेट से गवर्न नहीं होते उसमें वो इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते ये ऑब्जेक्टिव था बाद में रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं इनसिक्योरिटी है या एजुकेशन या सोशल वेलफेयर के लिए रिकमेंडेशंस के बाद में सरकार कोई ऐसे मीन्स अपनाए जिससे कि उनके अपलिफ्टमेंट नेशन की जो फीलिंग है वो ख़त्म हो जी लेकिन ये, ये इसके बावजूद भी इस बात को आयोग ने भी परिभाषित नहीं किया कि आखिरकार कौन कहलाएंगे माइनॉरिटीज स्टेटस का आधार क्या होगा क्राइटेरिया किस तरीके से तय किया जाएगा उसकी बनाने की बात हो रही थी तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी इसका जिक्र आया था कि ये माइनॉरिटीज़ कौन होंगे इसलिए कि ये बहुत तरह की माइनॉरिटीज़ uh, रहती हैं आप जानते हैं कि अगर हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अतबार से अगर हम देखें अलग अलग हमारी धारणाएँ हैं तो देखा गया कि अगर या तो रिलीजन की बिना बेसिस पे हमारे यहाँ इस तरह के कोई काम नहीं हुआ सिवा इसके कि रिलीजियस बेसिस पे भारत का विभाजन भीभा, हुआ हमारे हुआ। हुआ। सामने एक इशू था कि आखिर इसको कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे तो सिंपलिस्टिक वे में लिया गया कि जहाँ कहीं 50 परसेंट से कम किसी भी समुदाय की आबादी कम है तो उसको हमने माइनॉरिटी मान लिया नेशनल लेवल पे सिर्फ रिलीजन को ही हमने आधार माना अगर लिंग्विस्टिक को अगर हम मानते हैं तो हमारे यहाँ पूरा समाज में बड़ा डिवीज़न होगा और फिर यूनिफिकेशन में जो इंटीग्रेशन की हम बातें करते हैं वो कहीं पर भी हो नहीं पाती तो सेंट्रल लेवल पर सिर्फ हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की ही बात करते हैं और स्टेट्स और लोअर लेवल पे स्टेट्स लेवल पे जा करके हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करते हैं जिसकी वजह से वो स्टेट्स को ये अधिकार है उनको अख्तियार है कि वो आ, किसी भी कम्युनिटी को वो माइनॉरिटी भी डिक्लेयर करें और अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो उसके लिए जो लैंग्वेजेस का जो प्रोविजन है वो उनको भी दिया जाए जी लेकिन हमारे, अगर बात करें हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्चुअली भी इकबाल सिंह लालपुरा जी जो कि खुद अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है और आप ज्यादा बता भी पाएंगे कि बहुत सारे राज्य ऐसे क्यों हैं कि वहां पर अल्पसंख्यक आयोग है ही नहीं बहुत सारे राज्य ऐसे क्यों हैं जहां पर आ, देश की मेजोरिटी माइनॉरिटी है लेकिन माइनॉरिटी का लाभ उसे नहीं मिल पा रहा के 1978 में ये मनोरिटी कमीशन बना था और तब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के नीचे था उसके बाद 1992 में ये कमीशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ अब उसमें देखा गया कि जो मनोरिटीज है लैंग्विस्टिक मनोरिटी भी पहले इसमें कंसिडर की जाती थी लेकिन बाद में उसको सेपरेट कर दिया गया उसमें निकाल दिया गया इसके प्रिव्यू से बाहर ले लिया गया आ, हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेरे से पहले बात हो रही थी

टी uh, uh, अब बात यह है कि मिनोरिटी का फैसला किस लेवल पे हो सो so, अभी तक जो फैसला हुआ वो नेशनल लेवल पे हुआ किसी जगह कम है किसी जगह ज्यादा है तो उसमें लेकिन भारत की कुल आबादी का सेवनटीन पॉइंट टू टू परसेंट मुस्लिम है 2.78 परसेंट क्रिश्चियन है सिख है 2.08 परसेंट और बुद्धिस्ट है 0.84 परसेंट जैन है 0.45 परसेंट पारसी एक भी परसेंट नहीं आता उनकी टोटल जो है पॉपुलेशन है 57,264 इस तरह तेईस पर ट्वेंटी जो मनियोरिटीज हैं वो इंडिया में हैं और उनकी एजुकेशन के लिए उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए उनसे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए माइनॉरिटी जी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कुछ सवाल जल्दी से आए इंडिया में जैसे बात कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज की माइनॉरिटीज बहुत लाइक like, कम है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई थिंक फाइव परसेंट से कम को माइनॉरिटी माना चाहिए और जैसे भी स्टेट की बात करी गई है तो लाइक स्टेट वाइज माइनॉरिटीज है तो उनको माइनॉरिटी बनाना चाहिए जैसा कि सर ने भी बताया कि पचास, पचास फीसदी जो रहता है उसे, अल्प है। उसे, उसे हम अल्पसंख्यक बोलते हैं उससे नीचे उससे नीचे क्या हम अल्पसंख्यक बोलते हैं क्या वो जो अल्पसंख्यक जो है वो राज्य लेवल पे होते हैं या पूरा देश के कुल जितनी आबादी है उससे पचास कम होते तब होते हैं अल्पसंख्यक का डेफिनेशन तय करना है सरकार को है जो कि न्यायालय ने बोला है तो क्या सर हम ये मान के चले कि अश्विनी कुमार उपाध्याय जो लेकर याचिका लेकर आए थे 2020 में उनके साथ उस टाइम तो सरकार ने रुख अपना पीछे कर लिया था आगे जाके सरकार उनके याचिका के साथ आगे बढ़ेगी उनके विज़न के साथ या फिर जो उन्होंने पॉइंट्स रखे थे नॉर्दर्न स्टेट्स के बारे में वो आगे सरकार उस विज़न के साथ जाएगी कोई भी जब लॉ बनता है आ, सेंटर लॉ बनाती है तो वो सेंट्रल सब्जेक्ट होता है स्टेट लॉ बनाती है तो स्टेट सब्जेक्ट होता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंकरेंट लिस्ट में होते हैं, जिसपे स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर uh, भी बना सकता है ये जो इशूज़ हैं समवेयर ये उस लिस्ट में आते हैं जहाँ पे दोनों कंकरेंट लिस्ट जैसे में. तो इन्होंने एक कमीशन बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से देते हुए एक आ, उन्होंने लॉ बना दिया तो इसी तरह का लॉ कोई भी रोकता नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकता स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकते हैं अब स्टेट गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट उस चीज़ को डिफाइन करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर जो डिफ़ाइन करेगा वो ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से करेगा और उन्होंने कर दिया फाइव प्लस वन सिक्स कम्यूनिटीज को दे हैव नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज ए यूनियन टेरिटरीज एंड तो इट इज़ फॉर दी ये ये uh, अपनी सरकार केंद्र सरकार इस पर अपना वो रुक्यूट है कमीशन दे कैंड

एक संयुक्त देश में थी जो कि एक विभाजन से पहले एक एक देश हुआ करता था कि दशा क्या है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो सक्सेस को बढ़ावा देने के लिए उसको एक लिंग्विस्टिक आ, उसको एक बेनिफिट देना चाहती है उस कम्युनिटी को ग्यारह में मैं वार्ताकार था आ, आ, हमारे कोलिग्स को आप जानते हैं और उस विषय पे यहाँ पे बहुत डिस्कशन भी हुआ है कश्मीरी पंडित्स के हवाले से कि उनके साथ जो है वो उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं तो बेनिफिट्स पर भी मैं आऊँगा क्या बातें हैं कि जो यूटीज़ हैं वहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ख़ुद की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो वहाँ पे बना सकती है और इससे जो रिलेटेड बात जो बताऊँ मैं आपको हिंदू माइनॉरिटी में है जैसे नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में आपने जो बताया ये वो जगह हैं स्टेट्स हैं जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा रूल रहा है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की रूम में रही या वहाँ पर जो गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई हैं वो सेंटर की मदद से फार्म हुई हैं अगर आप कश्मीर में ले लें ये के साथ गवर्नमेंट बनाया या उन्होंने एन के साथ गवर्नमेंट बनाया तो ये सेंटर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है और दूसरी ये कि सेंटर अगर ज़रा सा भी इशारा करे तो रेस किया अब तो, अब तो मुझे मैंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सुनी पढ़ी थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यूपी में मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको माइनॉरिटी न ट्रीट करके क्या उन्होंने कहा कि इनकी एक सबसेंशल आबादी है पॉपुलेशन है और इनकी स्ट्रेंथ भी है तो इनको माइनॉरिटी नहीं माना चाहिए लेकिन उसके ऊपर किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया यानी कि गवर्नमेंट का भी योगी गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया कि उनको अब पहले बात कही कि जहाँ पे आ, एक आ, तीस uh, uh, या चालीस या पचास परसेंट से लोग कम हैं उनको माइनॉरिटी माना जाए या ना माना जाए मैं समझता हूं कि ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का फैसला है दूसरी बात जो मैं समझता हूं कि एक ये नेशनल लेवल पे कुछ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि इसको अगर आपने uh, उनको माइनॉरिटी मानना शुरू किया तो ये दैट विल ओपन ए पेंडोरा बाग्स और ये तर, इस तरह की डिमांड जो है बहुत सारी बढ़ती जाए इसकी तरफ से और रिलीजियस uh, माइनॉरिटीज की तरफ से एक बात मैं देखिए जो लाभ है वो लोगों को मिलने लगेगा लेकिन अगर आप देखें तो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को क्या लाभ मिला है? सिर्फ प्रोपोगंडा है और बहुत सारी जो कमिटीज बनी है सचर कमिटी आई, रंगनाथ मिश्रा कमिटी आई, उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिया लेकिन उसके ऊपर कोई असेसमेंट नहीं है माइक्रो माइनॉरिटी हैं उनको ज्यादा लाभ मिलना चाहिए अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से जिससे जो मूल भावना है संविधान की भी जो मूल भावना है आयोग की भी संरक्षण देना किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को वो निहित हो सके ये जो फैसले हैं लोकसभा राज्यसभा विधानसभाओं के करने वाले क्योंकि ये सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी है यहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कोई अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड महसूस ना करे इसके लिए सरकार हमेशा यत्नशील रहती है अभी हमने पारसियों की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारा बजट खर्च किया है लेकिन उन बिचारों की पॉपुलेशन है बढ़ने की बजाय कम हो रही है सो इनकी प्रोटेक्शन होनी इनको इनको अपनी लैंग्वेज अपना कल्चर अपना रिलीजन बचा के रखने के लिए जो संविधान में प्रोविजंस हैं उनको लागू करना चाहिए बाकी किसी भी डेमोक्रेसी में विधान जो है संविधान जो है उसमें कुछ चेंजेस लानी है तो ये लोकसभा राज्यसभा का ये क्षेत्र है जिसमें हमें चाहिए कि सभी भारतीय तरक्की करें मैंने पीछे सभी स्टेट्स को लिखा था तो जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर ने जारी किए थे उसके द्वारा कितने परसेंट लोग, लोग ये जो शेड्यूल अपना मनोरिटीज हैं इनकी दशा सुधर गई इनमें क्या बदलाव आया और कितने परसेंट ये आगे आ आग चुके हैं और मैं आपके ध्यान में ला दू मनोरिटीज में सभी मनोरिटीज को नहीं है आरक्षण ये उनमें भी गरीब आदमियों के लिए है पूरे मांग पुअर वाली बात है उसमें जैसे प्राइमरी तक है केवल अस्सी हजार के की जो है एनुअल इनकम हो उसको मिलेगा इसी तरह ही सारे बेनिफिट ये नहीं है के अमीर आदमियों को मिल रहे हैं दो हैव टू गो बाई दर्स जो पुअर अमंग द इनके पुअरेस्ट है उनके लिए कुछ संविधानिक प्रोविजन है जिससे डिस्क्रिमिनेशन के लिए सबके साथ है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और ना ही लॉ चाहता है ना ही ऐसा जो इसको हम कहते हैं बराबरी का अधिकार है तो वो तो राइट टू इक्वेलिटी वो तो इसमें है वो तो संविधानिक प्रोविजन है के सब के साथ होना चाहिए जिसको हम देखते हैं लेकिन जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनकी मदद कैसे की जाए एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट में इसके लिए काम होता है जी कुछ सवाल सर 2006 में आया था सचर कमेटी का रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया था कि मुस्लिमों के मुस्लिम समाज है वो बहुत बदतर हालत में है बहुत खराब हालत में है जैसे कि हिंदू में एस सी है उससे भी खराब हालत थी उनकी जो उसमें कहा गया था कि मुस्लिम समाज जहाँ बसता है वहाँ नहीं बैंक की सुविधा है ना स्कूल है ना हॉस्पिटल्स है वही हालात अभी भी है सर कुछ हद हाँ तक सुधार हुए हैं लेकिन उसको सुधार नहीं कहा जा सकता क्योंकि जहाँ हम दो में थे वो अब दो में भी अभी वही हैं सर अभी इकबाल जी ने बोला कि रिलीजन के बेसिस में मतलब माइनॉरिटीज को तो डिसाइड किया गया बट उसमें भी जो पुअर है उन्हीं को ही मतलब बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो इसमें हमें ये करना मतलब मतलब सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमें माइनॉरिटीज को रीजन के बेसिस नहीं पा, पावर्टी के बेसिस में डिवाइड करना चाहिए माइनॉरिटीज को जो माइनॉरिटी है उसको अगर जितना वेटेज पूरे भारत में जनसंख्या में उस हिसाब से अगर दिया जाए आरक्षण उसको तो ये कैसा रहेगा एक सिंपल क्वेश्चन है कि हम रिलीजन एंड लैंग्वेज पर ही क्यों है ऐसे तो कलर के बेस पर भी हो सकता है ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं मतलब अगर, अगर में को डिफाइन वो को। तो आपको यही है कि जब संविधान कहता है कि देश के सब नागरिक समान है उनको धार्मिक स्वतंत्रता है उनको भाषाई स्वतंत्रता है उनको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है कुछ भी काम करने की स्वतंत्रता है तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी नहीं इसी वजह से तो आज के दिन अगर आप देखें तो जो माइनॉरिटीज़ को स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती थी वो सब तमाम बंद हो चुकी हैं और जो प्राइम मिनिस्टर का ये जो स्ट्रेटजी है कि सबका साथ तो उसमें डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच नहीं है अगर पाँच किलो राशन मिलते हैं तो सबको मिलते हैं इससे कोई वो नहीं है कि आप माइनॉरिटी हैं मेजॉरिटी हैं अगर आप डिज़र्विंग हैं पुअर हैं तो आपको मिलता है और इसी तरह से बहुत सारी जो प्राइम मिनिस्टर कि ये, ये यानी जो सेंट्रल स्कीम्स से है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स से उनके साथ किसी भी कम्युनिटी का टैग नहीं लगा हुआ है और आप देखेंगे कि अगर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बहुत सारी स्कीम्स हैं क्या क्या हैं तो वो मैं समझता हूं कि उसको रीफार्मूलेट करके वही चीज़ें हैं जो सेंट्रल स्कीम्स से हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स से हैं और जब ये इम्प्लीमेंट होती हैं तो दे गो अक्रॉस रूरल अर्बन उनका क्राइटेरिया यही है कि वो डिज़र्विंग होनी चाहिए दे आर पुअर और उसका जो एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है सरकार ने उसके तहत आना चाहिए वो इस पर नहीं है कि आप किस कास्ट से हैं किस कम्युनिटी से हैं और आपको अच्छा अगर किसी को नहीं मिलता तो देखिए हमारे पास अधिकार है आरटीआई का अधिकार है कि भाई हम इसके लिए डिज़र्व करते हैं हमें क्यों नहीं दिया गया लोग सवाल ये कर रहे हैं आपने कहा कि लोगों को आ, सर्चर कमेटी के बाद बेनिफिट नहीं मिला तो लोगों को अधिकार है कि वो मालूम करें कि वो उनकी इंटाइटलमेंट है और वो इंटाइटलमेंट है तो उनको क्यों नहीं पहुंची तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो तमाम राइट बेस्ड हो चुकी हैं यानी इंटाइटलमेंट बेस्ड हो चुकी हैं कि कौन राशन का अधिकारी है कौन एजुकेशन यानी स्कॉलरशिप का अधिकारी है कौन किसान योजना के तहत अधिकारी है कौन आवास योजना के तहत अधिकारी है यदि उसका अधिकार कहाँ है तो वो अपने अधिकारों को ले सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ कमियाँ हो सकती हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी आ सकता है ये जो जो अंसारी साहब ने कहा वो तरीका सही नहीं है क्या कि हर जो आ, जो पॉलिसी है वो आ, आप आपके क्या कहते हैं जीवन की जो आ, रहने की जो तरीका है या फिर लिविंग स्टैंडर्ड है उसके आधार पर तय हो आप गरीब हैं तो आपको राशन मिलेगा आप गरीब हैं तो आपको नौकरियों में प्रेफरेंस मिलेगी लेकिन ऐसा हो नहीं रहा डिस्पैरिटी तो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है देखिए अगर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को होलिस्टिक वे में अगर देखें तो वहाँ पर कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है हम देखेंगे प्रीएम्बल में ये कहा हुआ है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड एकवलिटी बिफोर दी लॉ इसी तरह से 16 में कहा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट में बराबर का होगा सो इट वाज नॉट एनविस फॉर माइनॉरिटीज़ देयर विल बी एनी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कोई बेनिफिट होगा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को डिफाइन नहीं किया गया लेकिन कुछ प्रोटेक्शंस दिए गए हैं इट वॉज नॉट एनविसम फॉर दिस लेकिन जो आप, लेकिन, आप मैंने एक बिंदु आपसे उठाया कि शिक्षक आ, शिक्षा संस्थाएं जो हैं, हाँ। खोली जा सकती हैं खुली हुई हैं वो तो वो क्या है? वो जो जो शिक्षा संस्थान ये है क्या आपको नहीं लगता कि ये विशेष प्रावधान है उनको यस yes, उनको प्रिजर्व करने का अपनी कल्चर को और अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये अधिकार ये दिया था कि ये ये खोल अगर वो खुद एडमिनिस्टर करते हैं दो वर्ड्स हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जी जी समय समाप्त हो रहा है इसलिए आखिरी टिप्पणी इकबाल सिंह लालपुरा जी से लेना चाहूंगा इकबाल जी यहां पर समय समाप्त हो रहा है आखिरी टिप्पणी कि क्या इस जो विशेष प्रावधान है उसको समाप्त किया जाए या इस विशेष प्रावधान को निहित किया जाए कि ये राष्ट्रीय स्तर पर है या स्टेट लेवल पर है उसको अगर डिफाइन करेंगे तो शायद बहुत सी असमानता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी ये जो नेशनल लेवल पे डिसाइड होता है यही सबसे अच्छा है किसी के पास ये नहीं रहता कि मुझे इन्होंने को बेनिफिट जो मिलना था वो नहीं मिला दूसरी बात शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी और इनकी भी रिजर्वेशन के लिए प्रावधान है लेकिन सब ये ये ऐसे जो जो कमीशन है, जहां वही होगा जो होगा, गरीब जाति के आधार पे नहीं धर्म के आधार पे नहीं धर्म में सिर्फ गरीब आदमी के लिए है। और जो अपना संस्थान खोलने की बात है वो भी गवर्नमेंट उसको नियत करती है नियमित करती है जो गवर्नमेंट से हमारे यहां से अप्रूव होता है है वो सभी उसका पूरा करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे मामले को देख रही है और अलग अलग राज्य सरकारों से उनकी राय पूछी गई है कुछ राज्य सरकारों ने अपनी राय दे दी है कुछ राज्य सरकार अपनी राय अभी बना रही हैं, देने वाली हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहती है केंद्र सरकार और क्या कुछ रास्ता निकाला जाता है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी लेकिन आपने ये कहा कि अगर ये राष्ट्रव्यापी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और यहाँ पर आ, हमारे साथ जो एम एम अंसारी जी हैं उन्होंने कहा कि बहुत सारी देश की परियोजनाएं, योजनाएं ऐसी हैं जिनमें अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं देखा जाता उनकी गरीबी को देखा जाता है और लाभ पहुंचाने का प्रयास यहां पर किया जाता है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी और धन्यवाद सुरेश चंद्र चं, चंद्र जी आपका आपने समय निकाला हमारे कार्यक्रम में आपने शिरकत की और धन्यवाद जनता जनार्दन का थैंक यू वेरी मच आवाज देश की में आज के लिए इतना ही आवाज देश की आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए लेकिन देखते रहिए संसद टीवी नमस्कार